अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्क्रीन लॉक के बारे में जो बिल्कुल ही यूनिक है। ना तो ये पैटर्न लॉक है, ना ही ये फेस लॉक है, ना ही वॉइस लॉक है और ना ही कोई सिक्योरिटी पासवर्ड है। ये एक बिल्कुल ही यूनिक लॉक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस लॉक के बारे में तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सो गाइज, जिस स्क्रीन लॉक के बारे में हम बात करने वाले थे तो वो है डायरेक्शन लॉक। फ्रेंड्स, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार मुझे कमेंट आया था कि आप कभी भी एक्सटर्नल फाइल को कभी हमारे सामने इंस्टॉल क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल करूं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखता हूं ताकि हम टाइम बचा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमको इस लॉक को अपने फोन में एक्टिवेट करना होगा। तो ये है हमारा डायरेक्शन लॉक, इसे ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये हमारा डीएक्टिवेट है। तो यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हम अपने एक पिन को सेट कर लेते हैं। बाई चांस अगर हम अपने लॉक को भूल जाते हैं तो इस पिन की मदद से हम अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक सिंपल से पिन को सेट कर लेता हूँ, 1234। इसके बाद मेन जो हमारा लॉक है वो ये है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन लॉक है, हम चाहें तो इसको राइट साइड में स्लाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में स्लाइड कर सकते हैं या फिर टॉप या फिर बॉटम में भी स्लाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमको इस लॉक को सेट करना होगा। चलिए मैं सिंपल सा मेथड में इस लॉक को सेट कर लेता हूँ। मैं 2 times राइट साइड में इसको स्लाइड कर देता हूँ और 2 times बॉटम साइड में इसको स्लाइड कर लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर भी मैं उसी तरह से एरो को सेट कर देते हैं और यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग भी दी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये ठीक तरह से वर्क करता है या नहीं करता है। तो अपने फ़ोन को करते हैं लॉक और अब हम यहाँ पर अपने लॉक को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 times राइट साइड में इसको स्लाइड किया था और 2 times बॉटम साइड में, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन लॉक खुल चुका है। एक बार इसको और ट्राई करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस फोन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने फोन में एक डायरेक्शन लॉक को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस डायरेक्शन लॉक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करते हुए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।